हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गर्मियों में आप कौन कौन से फूलों के प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे जो ये तपती हुई गर्मी में भी आपके गार्डन में फूल खिले रहें। ऐसे कुछ प्लांट्स के जो हैं नाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपने ये प्लांट सीड से नहीं लगाए हैं तो ये नर्सरी में बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं इस समय, और इनका रेट भी 20 से 40 रुपए के बीच में ये आसानी से मिल जाते हैं। ये जो प्लांट है ये गलाडिया का प्लांट है और इसमें बहुत से कलर्स आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। मेरे पास इसके 2 कलर्स पहले से थे और मैं ये कुछ कलर्स लेकर आई हूँ। हालांकि कलियाँ इनमें खिली नहीं थी कुछ में, तो अभी मैंने इन्हें परचेज़ कर लिया और आप देख रहे हैं कि एक ही प्लांट में कितनी कलियाँ हैं। और ये जो प्लांट है ऑलमोस्ट पूरा साल फ्लावरिंग करता रहता है और आप इसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। और इसके कलर्स बहुत अधिक कलर्स में भी आते हैं, येलो होते हैं, रेड के शेड हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत ही अट्रैक्टिव से होते हैं। ये जीनिया का प्लांट है और इसमें भी बहुत से कलर्स आते हैं, येलो, ऑरेंज, क्रीम। और इसके कलर बहुत वाइब्रेंट होते हैं और ये तपती गर्मी में भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और इसमें आप देख रहे हैं इस प्लांट में बर्ड्स आ रही हैं और इसमें जो फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं इसके। ये जो फ्लावर है ये कॉस्मोस का फ्लावर है, इसे गर्मियों का कॉस्मोस भी कहते हैं। और ये रेड, ऑरेंज और येलो, तो ये है येलो के इसके 2-3 शेड होते हैं, लाइट येलो कलर भी होते हैं। और इसमें भी जो ब्लूमिंग है बहुत ज़्यादा होती है, आप देख रहे हैं बर्ड्स बहुत सारा बनी हुई हैं। और ये भी पूरी गर्मी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये जो है 4 o'clock का प्लांट है और इसे मधुमालती भी कहते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो 4 बजे के आसपास खिलते हैं और उनमें हल्की सी खुशबू होती है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पिंक, वाइट, येलो कई कलर्स में आते हैं और बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं। ये एक हार्डी प्लांट है और एक बार आप इसको ग्रो कर लेते हैं तो इसके जो सीड्स हैं वो जहाँ पे भी गिरते हैं उसके नए नए प्लांट उगाते हैं। और जब सीज़न ख़त्म होता है तो इसका जो बल्ब है वो मिट्टी में दबा रहता है और नेक्स्ट सीज़न उनसे नए प्लांट्स आपके खुद से निकल आते हैं। ये जो प्लांट है ये समर वर्बीना का प्लांट है और इसमें जो फ्लावर्स का कलर आता है ये पर्पल है, ब्लू, पिंक, वाइट कलर होता है। और इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ईजिली लगा सकते हैं और ये नीचे की तरफ ही फैलता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है जब पूरा प्लांट जो है फूलों से भर जाता है तो। और ये हार्डी प्लांट है। इसके अलावा आप ये जो पॉटपुला का प्लांट है ये भी ले सकते हैं, मोस्टोस। और इसमें भी बहुत से कलर्स आते हैं, वाइब्रेंट होते हैं इसके कलर्स, वाइट, पिंक, येलो, ऑरेंज, रेड कई तरह के कलर्स में आता है। और ये कटिंग से बहुत ईजली लग जाता है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी अच्छे से लग जाती है। ये बेबी सनरोज़ का प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो पिंक, येलो, वाइट के शेड्स में आते हैं। कॉमनली जो है ये कलर शेड मिलता है पिंक कलर का और ये कटिंग से बहुत ईजली चल जाता है। और ये एक हार्डी प्लांट है, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं और ये इसलिए 40 रुपीज़ के आसपास मिल जाते हैं। ये जो प्लांट है ये पर्सलिन का प्लांट है, अभी जो है इसके फ्लावर्स भी सूरज उगने के बाद ही खिलते हैं और अभी ये खिले नहीं हैं। और इसमें जो है येलो, वाइट, पिंक, रेड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं और इसके फ्लावर्स देखने में बहुत सुंदर होते हैं। और जो इसमें भी ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसको कटिंग से बहुत ईजली लगा सकते हैं। और ये भी एक हार्डी प्लांट है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये सालविया का प्लांट है और इसके प्लांट भी नर्सरी में
₹40 के आसपास अवेलेबल होते हैं, और ये इसकी फ्लावरिंग और ये गर्मियों में और बरसात में और सर्दियों में आलमोस्ट पूरा साल जो है फ्लावरिंग करता है। ये मॉर्निंग ग्लोरी है और ये एक वाइन की तरह होती है और इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो कलर्स हैं वो वाइट, पिंक, पर्पल, रेड, बहुत से शेड्स आते हैं, और ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करती है। आप इसे लगा सकते हैं और ये कटिंग से भी इजली लग जाती है। तो इस तरह आप गर्मियों में ये जो कलरफुल से प्लांट्स हैं इन्हें खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।